क्लास थर्ड। आई एम दीपा, आई एम हिंदी टीचर। बच्चों आज हमारा टॉपिक है संख्या। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा रही हूँ बच्चों, ठीक है। ये क्या है बच्चों? हमारा टेडी बियर, ठीक है। फिर आपका दूसरा है खरगोश, फिर आता है आपका झोपड़ी, और ये है मेरे पास फ्लावर पॉट। अब इसमें क्या लगेंगे? ये फ्लावर यानी कि फूल। नेक्स्ट है बच्चों आपका पेन, और ये है हमारी किताब। फिर बाद में आता है आपका ये है ट्रक, और देन आपका लास्ट है कप। तो बच्चों ये सब चीजें क्या है हमारी? जो मेरा टॉपिक है संज्ञा, तो ये सब चीजें हमारी संज्ञा है, ठीक है। अब यहाँ पर सीनरी है। अब सीनरी में देखिए पहाड़ भी है हमारे, और यहाँ पर पक्षी भी हैं, सूरज है, नदी है, घास है, ये सब क्या हमारी संज्ञा, ठीक है। तो हम जानते हैं आज संज्ञा के बारे में। चलिए बच्चों, संज्ञा किसे बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो हमारे नाम से शुरू होते हैं, नाम से पता चलता है, उनको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देखा जाए, व्यक्ति, व्यक्ति में आ गया हमारा राम, वस्तु, वस्तु में आ गया हमारी मेज, स्थान, स्थान में आ गया दिल्ली, भाव, भाव में आ गया हमारा दया, ठीक है। जो हमारे नाम से शुरू होते हैं उनको हम संज्ञा बोलते हैं, ओके बच्चों। सो क्लास थर्ड आपने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब आता है बच्चों आपका संज्ञा के प्रकार। तो हमारे संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक बच्चों उनको बोला जाता है जो जिनके नाम से पता चल रहा है, ठीक है। जैसे राम एक लड़के का नाम है, सीता एक लड़की का नाम है, ठीक है। बरेली एक जगह का नाम है, और रामपुर एक जगह का नाम है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं शेर या गणेश, ठीक है। ये सारे जो हमारे नाम से शो होते हैं, नाम से पता चलता है, उनको हम व्यक्तिवाचक में लाते हैं। फिर आता है हमारा जातिवाचक। जातिवाचक में हमारा पहाड़, लड़का, नदी, किताब आदि। अब बच्चों मेरे पास किताब है, ठीक है, बस मैं इसको किताब बोल रही हूँ, लेकिन मुझे नाम नहीं पता ना इसका, तो ये जाति में आ गई। अगर इसका नाम पता होगा तो ये किसमें जाएगा? व्यक्तिवाचक में, ठीक है, क्योंकि वो नाम से शो हो रहा है। अब मेरे पास है फ्लावर पॉट, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं, अभी मैं इसमें नाम से नहीं जानती कि कौन सा फ्लावर है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आपका पेन, ठीक है। पेन, हर एक पेन का नाम होता है, मेरे पास कौन सा पेन है उसका नाम, अगर नाम होगा तो वो जाएगा व्यक्तिवाचक में, और हमारा नाम से शुरू नहीं हो रहा है तो वो जाएगा हमारा जातिवाचक में, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहाड़ है, ठीक है, आपको दिख रहा है पहाड़, ये हमारे जातिवाचक में। यहाँ सूरज, क्योंकि ये नाम से शो हो रहा है, तो ये है व्यक्तिवाचक, ठीक है। पक्षी, कौन सा पक्षी है? ये पक्षियों की जाति आ गई। अगर तो पक्षी के नाम से शो होगा तो वो जाएगा व्यक्तिवाचक में, और नाम से शो नहीं हो रहा वो जाएगा हमारा जातिवाचक में। जैसे नदी है यहाँ पर, अब इस नदी का नाम है, नाम से शो होगा जैसे गंगा, तो वो जाएगा जातिवाचक में, और नाम से शो नहीं होगा वो हमारा जाति बन जाएगा नदी, ठीक है बच्चों। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटी का और लिया है, जैसे है पत्ता। अभी किस चीज का पत्ता है? नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये किस में जाएगा? जातिवाचक में, क्योंकि अगर नाम से शो होगा वो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक में। अब लास्ट है हमारा भाववाचक। भाववाचक में बच्चों हम इंसान की क्वालिटी गिनते हैं, यानी कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कौन सी कंडीशन में है, ये सब हमारा भाववाचक में आता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा या मैंने बोला सीता बहुत अच्छी लड़की है, तो उसमें अच्छाई आ रहा है, यानी कि वो बहुत अच्छी है, गुड गुड गर्ल है, तो वो हमारा भाववाचक में जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राम बहुत बुरा है या उसके अंदर बहुत सारी बुराई है, तो ये हमारा भाववाचक में आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका दशा। अब वो बीमार है, किस कंडीशन में है, वो गरीब है या अमीर है, वो उसकी दशा पे है, तो वो दशा जो है, उसकी कंडीशन जो है, हमारा भाववाचक में जाएगा, ओके बच्चों, बाय बाय। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।